हेलो फ्रेंड्स, विवेक सवाल यूट्यूब चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये मेरा एक साल पुराना वाला अपराजिता का प्लांट है। ये देखिए, इसमें बहुत सारा बीज आए हुए हैं और ये प्लांट अभी ख़राब होने वाला है। तो इसको क्या करना है, इसको मुझे कर देना है कटिंग। और कटिंग करने से पहले जो मैं करूँगा, इसका जितने सारे बीज है, ये देखिए सीड पॉट है जितने सारे, इसको मैं निकाल के मैं रख लूँगा। और इसको क्या करूँगा, ये इसको मैं कट कर दूँगा यहाँ से। ये देखिए, ये एक छोटा वाला पॉट में रखा हुआ था। ये देखिए, इसका रूट्स भी बाहर आना स्टार्ट हो गए हैं। ये देखिए दोस्तों, कटिंग करने के बाद इसका ये हालत हुआ है। और ये देखिए, प्लांट काफ़ी ख़राब भी हो गया, तो बहुत सारे सीड अभी भी यहाँ पे है जो मैं धीरे धीरे मैं कलेक्ट कर लूँगा। और उससे पहले मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये वाला जो पॉट में है, इसको मुझे रिपोर्ट भी करना है। ये दोस्तों, इसको मैंने निकाल दिया है, ये जो पॉट था इसमें से। और इसका मिट्टी भी काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। ये देखिए, बहुत सारे चींटी यहाँ पे और उसका अंडा आप लोग देख सकते हैं, इसीलिए प्लांट ख़राब हो जा रहा था। लेकिन अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसको मैं रिपोर्ट करने वाला हूँ, अच्छा मिट्टी मैं डालने वाला हूँ इसमें। और ये मिट्टी को जितना हो सके मैं कोशिश करूँगा कि इसको मिट्टी को हटा के मैं फ्रेश मिट्टी में डाल सकूँ यहाँ पर। और मिट्टी तो मेरा बनाया हुआ है, जिसमें है गोबर का खाद, नॉर्मल गार्डन सॉयल, बालू और सरसों का खली, ये सब मिक्स करके मैं बनाता हूँ एक नॉर्मल मिट्टी। और इसके साथ में बोन मील, हॉर्न डस्ट, नीम केक पाउडर, ये सब मैं मिला लेता हूँ बाद में। पॉट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो मेरा गमला है उस गमले के नीचे मैं सूखा हुआ पत्ता मैं डाल दूँगा। और सूखा हुआ पत्ता डालने के बाद उसके ऊपर मिट्टी, और उसके ऊपर ये प्लांट को रख के उसके ऊपर मैं फ्रेश मिट्टी में डाल दूंगा। और नीम केक पाउडर में साथ में दे के और उसमें पानी दे दूंगा। बस इतना ही करना है। आने वाले 7-10 दिन में इसमें नया वाला जो ब्रांचेस आना स्टार्ट हो जाएंगे, और ये प्लांट एक नया, मतलब नया प्लांट जैसा हो जाएंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसको मैं, इसका मिट्टी में अलग कर दिया। और अलग करने के बाद ये ऐसा कुछ आया है, इसका जो प्लांट का जो सेप है, ये देखिए थोड़ा बहुत मिट्टी में रख दिया हूँ। और इसका जड़े को भी मैंने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया है, थोड़ा बहुत मैं कट के फेंक दिया। और इसको कर देंगे अभी नया पॉट में मैं रिपोर्ट। इसमें नया नया ब्रांचेस आना स्टार्ट भी हो गए हैं दोस्तों। इसको मैंने रिपोर्ट कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए नया वाला पॉट में, और इसके ऊपर जो मिट्टी मैंने डाला था उसके ऊपर थोड़ा सा नीम केक पाउडर, थोड़ा सा बोन मील और थोड़ा सा मस्टर्ड केक पाउडर मैंने डाल दिया है। बस इतना ही, आप इसमें पानी दे देंगे। और ये इसको थोड़ा शेड वाला जगह पे, जहाँ पे धूप कम आता है लेकिन हवा का गुजर होता है, ऐसा वाला जगह पे मैं इसको शिफ्ट कर दूंगा। और आने वाले 10 दिन के लिए मैं वहाँ पे ही रख दूंगा, और देखेंगे क्या होता है इसका। ये देखिए दोस्तों, इसमें फ्लावर आना स्टार्ट हो गया है। ये कटिंग करने के बाद इसमें इतना अच्छा से ग्रोथ आए दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ क्या बताऊँ आप लोगों को। उसी प्लांट का जो सीड में रखा हुआ है मेरे पास, तो उसी सीड से मैंने एक प्लांट भी ग्रो कर लिया ऑलरेडी। और उसका भी मतलब 10 से 12 दिन ही हुए हैं। 10 से 12 दिन के अंदर ये देखिए दोस्तों, इसका ग्रोथ देखिए, ये देखिए, ये एक छोटा वाला। अब बात करते हैं दोस्तों कि अपराजिता को आप लोग कैसे केयर कर सकते हैं, इससे कैसे आप लोग ज़्यादा फ्लावर ले सकते हैं इस प्लांट से। तो सबसे पहले दोस्तों, उसको प्रूनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एकदम अच्छा से प्रूनिंग कर दीजिए, और प्रूनिंग करने के बाद उसको रिपोर्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने देखिए सेम साइज़ का ही एक पॉट लिया है, क्योंकि इसको मुझे हर साल मैं रिपोर्ट करूँगा, यही मेरा मैंने सोच के रखा है। मस्टर्ड केक पाउडर के साथ साथ आपको इस प्लांट के लिए नीम केक पाउडर भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नीम केक पाउडर से आपका मिट्टी का क्वालिटी एनहेंस होता है। और सरसों का खली जो है, मस्टर्ड केक पाउडर, वो इस प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है दोस्तों, क्योंकि मस्टर्ड केक पाउडर एक ऐसा पाउडर है इस प्लांट के लिए, जिससे आपका प्लांट का ग्रोथ भी अच्छा रहेंगे, इसमें अच्छा से फ्लावरिंग आएंगे। अगर मान लीजिए आपके प्लांट में अच्छा से फ्लावरिंग नहीं हो रहे हैं दोस्तों, तब जाके आप इसमें सरसों का जो खली है वो आप लोग दे सकते हैं एक चम्मच। ये छोटा वाला गमले के लिए एक चम्मच काफ़ी है, उसको दे के अच्छा से उसमें पानी डाल दीजिएगा। और उसके बाद देखिएगा कितने अच्छा से मतलब इसमें फ्लावर होते हैं। अगर आप लोगों के पास दोस्तों मस्टर्ड केक पाउडर नहीं है, तो बनाना का छिलका और प्याज का छिलका, ऑनियन का जो छिलका होता है, उसको भिगो के रख दीजिए। उसने के बाद उसका जो पानी होता है दोस्तों, उस पानी से आप इस प्लांट को दे सकते हैं वो पानी, उसमें भी बहुत अच्छा से ग्रोथ कर सकते हैं, ग्रोथ करते हैं दोस्तों ये वाला जो प्लांट है। और दोस्तों ये बेलनुमा पौधा है, आप लोगों को तो देख के
पता चल रहा है। इसको क्लाइंब करने के लिए इसको सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठंडा का सीज़न ख़त्म होने वाला होगा और आपका गर्मी का सीज़न स्टार्ट होने वाला होगा, उस टाइम में इसको रिपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और नहीं तो बारिश के मौसम में भी आप लोग इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रहना चाहिए, एकदम ड्राई नहीं होने देना है दोस्तों इस प्लांट को। अगर फंगल इन्फेक्शन आ जाता है मिट्टी में, क्योंकि इसका जो मिट्टी है इसमें फंगल इन्फेक्शन आ जाना बहुत ज़्यादा मतलब इसका जो चांसेस रहता है, तब जाके आप लोग क्या करेंगे, नीम का पत्ता को उबाल के उसका जो पानी है वो आप लोग इसमें डाल सकते हैं। तब जाके देखिएगा आपका प्लांट कितना हरा भरा रहते हैं दोस्तों। तो इस प्लांट के बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। अगर दोस्तों इस प्लांट को आपको घना बनाना है तो इसका जो टिप है यहाँ से आप लोग मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये सब जगह से आप लोग इसको काट सकते हैं। तब जाके इसमें और भी नया ब्रांचेस नीचे से आना स्टार्ट हो जाएंगे और उसमें जितना ब्रांचेस आएंगे उसमें फ्लावर भी उतना आएंगे दोस्तों। तो बस इतना ही कहना था अपराजिता के बारे में। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आने वाले दिन में और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों को इस विवेक्सवाल यूट्यूब चैनल में देखने के लिए मिलेंगे।